जम्मू कश्मीर के पुलिस अधीक्षक हेमंत लोहिया सोमवार देर रात जम्मू के बाहरी इलाके उदयवाला इलाके में अपने घर में मृत पाए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस को उनके नौकर पर है शक, इसका पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस को यासीर अहमद नामक नौकर की है तलाश। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि 1992 बैच के IPS अधिकारी लोहिया का गला रेतकर की गई हत्या और उनके शरीर पर कई जगह जलने के भी निशान हैं। कल रात हुई अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद जिला अस्पताल ड्यूटी स्टाफ ने थाना कोतवाली थाने में की शिकायत। स्वास्थ्य संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। डॉक्टर चौरसिया द्वारा बताया गया कि अस्पताल लाए जाने के तुरंत बाद मरीजों को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद परिजनों द्वारा अस्पताल स्टाफ के साथ गाली गलौज व तोड़फोड़ की गई। वहीं अस्पताल में मृतक परिजनों द्वारा मशीनें तोड़ने व डॉक्टरों व स्टाफ के साथ गाली गलौज के बाद कर्मचारी यूनियन नाराज है। पुलगवा थाना क्षेत्र के पुरानिया ग्राम में हुआ दर्दनाक हादसा। घरेलू सिलेंडर फटने से 3 लोगों की हुई मौत। इस घटना में मां समेत 2 मासूम बच्चों की हुई मौत। शहडोल में काली नृत्य करते युवक खप्पर की आग में झुलसा। अस्पताल में चल रहा नवरात्रि के पावन अवसर पर नवमी के दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चौरसिया समाज ने माता रानी का जवारा निकाला। जवारे में मां काली के वेश में भक्तों ने उनके भाव को प्रकट किया, जिसमें चौरसिया समाज से 5,000 के तकरीबन हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। सतना की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत महाविद्यालय प्रचार एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर छाया श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्लोगन प्रतियोगिता तथा ऊर्जा बचाने के लिए समस्त छात्र छात्राओं द्वारा शपथ ग्रहण समारोह एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सतना को मिल सकती है एक बड़ी सौगात। सतना महापौर एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश कुमार ताम्रकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सतना जिले के सरभंगा के जंगलों को टाइगर रिजर्व बनाने की मांग रखी है। चित्रकूट के अंतर्गत आने वाले मझगवा परिक्षेत्र में स्थित सरभंगा के वन क्षेत्र में ग्रामीणों के अनुसार जानकारी प्राप्त की गई कि यहां 2 दर्जन से अधिक बाघ विचरण कर रहे हैं। कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा का वीडियो भी वायरल हुआ है। इस क्षेत्र में सांभर, चीतल, हिरण, नील गाय, जंगली सुअर के साथ साथ यहां रिसर्च संस्थाओं के अनुसार दुर्लभ प्राकृतिक वनस्पतियां भी भारी मात्रा में देखने को मिलती हैं। जल्द ही सुनाई दे सकती है बाघों की दहाड़ और दिखाई दे सकते हैं क्षेत्र में पर्यटन विकास के नए पंख। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के बाद PHQ मध्य प्रदेश ने समस्त पुलिस अधीक्षकों को जारी किया पत्र। हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के दिए निर्देश। वहीं पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल।